वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शेयर करने वाले हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग या फिर तेज रफ्तार में फैलने वाले प्लांट्स के नाम। जिन प्लांट्स को हम एक बार हमारे गार्डन में ऐड करते तो सालों साल तक हमारे गार्डन में ये रहता है। तो हमारी लिस्ट में नंबर वन में जो प्लांट है वो है ये मनी प्लांट। प्रॉपर केयर के साथ हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमारे ये प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और हम इस प्लांट को हमारे गार्डन में हेज की तरह भी लगा सकते हैं। अल्टरनेंथ्रा की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। एक बार हम इस प्लांट को भी हमारे गार्डन में ऐड करते तो सालों साल तक ये प्लांट जो ही रहता है, हेज की तरह भी हम इसे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो ही लकी बाम्बो की प्लांट। नीचे जमीन में या फिर सॉयल में ये प्लांट जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये पर्पल हार्ट की प्लांट। पर्पल हार्ट की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और इस प्लांट को कटिंग से लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये टर्टल वाइन की प्लांट। टर्टल वाइन की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और एक बार हम इस प्लांट को हमारे गार्डन में ऐड करते हैं तो बहुत दिनों तक ये रहता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये एरो रूट की प्लांट। हेज की तरह भी हम इस प्लांट को जो है हमारे गार्डन में लगा सकते हैं और ये प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये भिनका की प्लांट। भिनका या फिर सदाबहार, पूरा साल इनका फ्लावर ऐसे ही ब्लूम करता है और ये प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की प्लांट को मैंने यहाँ पे मॉस स्टिक में लगाया हुआ है और ये प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये फॉर्न की प्लांट। फॉर्न की प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। एक बार हम इसे ले आते तो बहुत ही जल्द ये प्लांट ऐसे ही बूसी लुक में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये एलोवेरा की प्लांट। एलोवेरा की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये बॉलीवियन ज्यू की प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। ये प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। हैंगिंग में लगाने के लिए एक बेस्ट प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और एक ही प्लांट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा प्लांट्स यहाँ पे है। तो इसे सिबाइड करके हम जो है काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है रेड फ्लेम ईवी की प्लांट। रेड फ्लेम ईवी की प्लांट जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और यहाँ पे मैंने इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था और यहाँ पे इनकी ग्रोथ भी आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अक्लिफा की प्लांट। इस प्लांट को भी मैंने यहाँ पे कटिंग से लगाया था। ये प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। एक बार हम इस प्लांट को हमारे गार्डन में ऐड करते तो बहुत दिनों तक ये भी रहता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये बोट लिली की प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है टैंगल हार्ट की प्लांट। इस प्लांट को लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही फास्ट ये प्लांट भी जो है ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये क्रीपिंग चाली की प्लांट। ये प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। कटिंग के थ्रो में इस प्लांट को हम सेपरेट कर सकते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये पोचुलका की प्लांट। इस प्लांट को भी लगाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही फास्ट ये ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये कैलाडियम की प्लांट। ये एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। एक बार हम इस प्लांट को हमारे गार्डन में ऐड करते तो बार बार लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। फाइलोरेंड्रोन की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और इस प्लांट को लगाना भी जो है बहुत ज़्यादा आसान है। इनकी यही जो नोड एरिया है यही से कट करके हम काफ़ी सारे प्लांट्स जो है बना सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया की प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और एक बार हम इस प्लांट को भी हमारे गार्डन में ऐड करते तो बहुत दिनों तक ये रहता है। ओग्जालिस की प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। ये एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। इनकी बल्ब जहाँ जहाँ गिरता है वही से इनकी नया ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये अजवाइन की प्लांट। अजवाइन की प्लांट भी जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। कटिंग की थ्रो में इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये
वैंडरिंग जीव की प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। इनकी यही नोड एरिया से कट करके हम काफ़ी सारे प्लांट जो ही बना भी सकते हैं। तो हमारे पास जो आखिरी वैरायटी है वो है क्लिटोरिया की प्लांट। ये प्लांट भी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। एक बार हम इस प्लांट को हमारे गार्डन में ऐड करते हैं तो बहुत दिनों तक ये प्लांट रहता है। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।